नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी आप सभी थर्ड सेमेस्टर सिविल ब्रांच के विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये वीडियो बहुत स्पेशल है, बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके जो परीक्षा का प्रश्न पत्र आएगा उसके बारे में संक्षेप में कुछ बताना चाहता हूं कि पेपर किस प्रकार का आ सकता है और कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो आप इसके लिए ये जो बुक है इसको फॉलो करें, द्रव्य यांत्रिकी सुरेश त्रिराठी HOD सिविल GPC जोधपुर, मायसेल्फ RP व्यास और डॉक्टर अमित पुरोहित ने मिलकर ये किताब लिखी है और इसमें सब कुछ एग्जाम पैटर्न पर ही है, यानी सिलेबस बिल्कुल एग्जैक्टली जो सिलेबस उसके पैटर्न पर ही किताब लिखी गई है, जो सिलेबस है उसको देखते ही किताब लिखी गई है और एग्जाम पैटर्न हमेशा सिलेबस के बेस पर आता है। तो मैंने जो आपका पैटर्न है एग्जाम का, आपको पता है कि कुल 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में 10 प्रश्न होते हैं और सभी 10 प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं, हर प्रश्न 1 अंक का होता है। ये सभी 10 प्रश्न होते हैं ऑब्जेक्टिव, इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, ABCD कोई एक चुनना होता है। दूसरे सेक्शन में 8 प्रश्न होंगे जिसमें से 6 करने होंगे, हर प्रश्न होगा 3 अंक का, तो 6 × 3 = 18 अंक हो गए। तीसरे सेक्शन होगा उसमें 6 प्रश्न होंगे, करने 4 होंगे और ये प्रश्न होगा 8 अंक का, तो 4 × 32 यू करके कुल मिला के 60 अंकों का प्रश्न पत्र बनता है। अब एक एक नंबर के जो सवाल आते हैं 1 मार्क के, वो तो बेसिकली जो पढ़ाई करेगा वही अटेम्प्ट कर पाएगा, रट्टे से कुछ नहीं होगा। और मेरी पुस्तक में ये जो पुस्तक लिखी है इसमें सारी बातें बेसिकली बताई गई है। अगर हमारी किताब की थ्योरी पढ़ ली जाए, एक एक पैराग्राफ को शांति से पढ़ लिया जाए, तो पूरी उम्मीद है कि आप सभी 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे बड़े आराम से बिना किसी दिक्कत के। मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 यानी यूनिट 1 और यूनिट 2 इनके ऑलरेडी मैंने 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए वीडियो जारी कर दिए हैं। अब आज मैं आपके लिए 3 मार्क्स और 8 मार्क्स के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है जो मैंने इस बुक से लिए हैं, कुछ एग्जांपल्स होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो मैंने लिए हैं। तो मैंने हेडिंग दिया इस वीडियो का, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिप्लोमा 3rd सेम के लिए। हमारे पास में कुल मिला के 5 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 के मैंने 2 पार्ट किए हैं, 4A और 4B, क्योंकि मेरी किताब के अंदर एक्सरसाइज भी 2 हैं, 4A 4B। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम्स एंड शीयर स्ट्रेस इन बीम्स, और 5 यूनिट जो है वो कॉलम का है। अब मैंने क्या किया कि 3 कैटेगरी बनाई है क्वेश्चंस की, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, उससे कुछ कम और उससे कुछ कम। हर चैप्टर में फर्स्ट कैटेगरी में वो क्वेश्चन है जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सेकंड कैटेगरी में कुछ कम, थर्ड में और कम। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने फर्स्ट कैटेगरी बताई एग्जाम में उसी में सवाल आए, ये मेरा मानना है, मेरा मानना कोई जरूरी नहीं सही, मैं केवल एक अपने अनुभव के आधार पर कल्पना कर रहा हूं। अच्छा होगा ये सही हो जाए, लेकिन हमारा काम है मेहनत करना और परिणाम ईश्वर देगा। तो मैंने अपनी ओर से प्रयास किया है और इसी तरह से जो सेकंड यूनिट है उसमें की भी फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, इसी तरह से 3rd, 4A, 4B, 5th। अब एक मैंने कैटेगरी बनाई है 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की और दूसरी मैंने कैटेगरी बनाई है 8 मार्क्स के क्वेश्चंस के। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी 2 कैटेगरी में, एक शॉर्ट एग्जांपल
और एक अनसोल्व क्वेश्चंस। हालांकि एक अच्छी सूचना मैं आपको दे दूं, मैंने पूरी किताब को सोल्व कर लिया है। आई हैव कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ माय बुक। जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं एक एक क्वेश्चन मैंने सोल्व कर लिया। कोई भी स्टूडेंट जो मेरा वीडियो देख रहा है अगर कोई डिमांड करेगा तो मैं उसको इमीडिएटली उसके सोल्यूशन भेज दूंगा, अगर मुझसे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट करके कोई मैसेज करेगा तो। इसी तरह से जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें भी दो कैटेगरी है, एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस, और ये इनका जोड़ आ गया कुल। तो इसी तरह से हर यूनिट के अंदर है। तो अब मैं आपको एक एक करके मैं बोल रहा हूँ हर यूनिट के बारे में, 3 मार्क्स के बारे में, एग्जाम्पल के बारे में, क्वेश्चन के बारे में, 8 मार्क्स के बारे में। आप ध्यान से सुने। देखिएगा, पहला यूनिट, फर्स्ट यूनिट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से 3 नंबर के अंदर, वो एग्जाम्पल तो कोई नहीं है, क्वेश्चन जो है वो जो एक्सरसाइज है ना प्रश्नावली, उसका 3रा, 5वा, 11वा, 13वा, कुल 4 क्वेश्चन है। 8 नंबर के जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें एग्जाम्पल 3रा और 4था, और क्वेश्चन है 22वा और 26वा। कुल मिला के ये 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन हो गए। तो इस तरह से ये 4 और 4 मिलाकर 8 क्वेश्चन हो गए, जो मेरे हिसाब से यूनिट 1 के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने बाकायदा क्वेश्चन नंबर लगा रखे हैं। आप बुक डेफिनेटली आपके पास होगी, आपने परचेज की होगी, नहीं तो आप परचेज कर लीजिए, या नहीं कर सकते अपने फ्रेंड से मांग लीजिए, वो फ्रेंड आपको उसकी पीडीएफ बना के दे सकता है। लेकिन इसका प्रयास करके ये सब सेल्फ कीजिए, और कोई दिक्कत आती है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। हाँ, मैं पीडीएफ तो नहीं दूंगा उसकी, क्योंकि मैं लेखक हूँ और अपनी किताब की पीडीएफ बनाना मैं पसंद नहीं करूंगा। अब जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन है इस यूनिट 1 के अंदर, उसमें एग्जाम्पल तो 3 नंबर में कोई नहीं है, क्वेश्चन है 8वां, 21वां, 31वां, वो 3 हो गए। 8 नंबर क्वेश्चन में एग्जाम्पल 1वां और 6वां, और क्वेश्चन 27वां और 32वां, कुल 4 हो गए, और ये 3 और 4, 7 हो गए। थर्ड कैटेगरी जो है उसमें 3 नंबर के क्वेश्चन में कोई एग्जाम्पल नहीं है, क्वेश्चन जरूर है 1वां, 9वां, 12वां, 15वां, कुल 4 हो गए। 8 मार्क्स के क्वेश्चन में एग्जाम्पल 2रा और 5वां, और क्वेश्चन 28वां और 29वां, कुल ये 4 हो गए, और 4 और 4, 8। यानी मैंने 23 क्वेश्चन इस पूरे यूनिट में से, यूनिट 1 में से 23 क्वेश्चन मैंने छांटे हैं कुल मिलाकर, एग्जाम्पल और क्वेश्चन मिलाकर। उसमें 8 तो है फर्स्ट कैटेगरी यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट कैटेगरी में 7 और लास्ट कैटेगरी में 8। इसी तरह से यूनिट 2, अब देखिएगा इसमें, अब आप समझ गए होंगे ये जो पहला कॉलम है ना ये 3 मार्क्स के एग्जाम्पल के लिए है, दूसरा कॉलम 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए है, उसके बाद जो कॉलम है वो इन दोनों की जोड़ है। जोड़ जैसे ये क्वेश्चन कितने हो गया, 1, ये कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 और 1, 9 हो गए इस प्रकार से। फिर जो कॉलम ये वाला है ये 8 मार्क्स जो क्वेश्चन है ना उसके एग्जाम्पल का है, ये कॉलम जो है 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसके बुक के क्वेश्चन का है, और ये उनकी जोड़, और ये ग्रैंड टोटल। रेड मार्क्स जो मैंने रेड मार्क्स लिखे हुए ना, रेड मार्क्स ये वाले वो फर्स्ट टाइप के यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर ये 2 टाइप से। अब मैं बोल रहा हूँ लगातार आप इसको ध्यान सुनेंगे। चैप्टर सेकंड, फर्स्ट टाइप, 3 नंबर, एग्जाम्पल 4था, क्वेश्चन 1वां, 6वां, 24वां, 25वां, 39वां, 66वां, 75वां, कुल 9 हो गए। 8 नंबर के जो क्वेश्चन हैं उसमें एग्जाम्पल 10वां, 13वां, 20वां, और क्वेश्चन 17वां, 57वां, 86वां, कुल ये 6 हो गए, और 6 और 9, 15 हो गए। सेकंड कैटेगरी, 3 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 14वां, 3 नंबर के क्वेश्चन, अब ये तो एग्जाम्पल था 14वां, अब क्वेश्चन 2रा, 15वां, 21वां, 22वां, 28वां, 33वां, 36वां, 38वां,
49वां, 50वां, 51वां, 64वां और 70वां, कुल मिला के हो गए 14 क्वेश्चन, ये एक और ये 13-14। 8 नंबर के जो क्वेश्चन हैं उसमें जो एग्जाम्पल है बुक के वो 7वां, 19वां, 21वां और 22वां, और क्वेश्चन नंबर 61वां, 62वां, 82वां और 87वां, कुल मिला के 8, और ये 14 और 8 मिलकर हो गए 22। सेकेंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, एग्जाम्पल नंबर 3, 3 नंबर के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 37, 42, 43, 44, 45, 65, 67, 3 नंबर के क्वेश्चन में वो एग्जाम्पल था, ये क्वेश्चन है, कुल मिला के 8 हो गए, 7 और 1 8। 8 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें एग्जाम्पल्स, 8 मार्क्स के एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना उसमें किताब का एग्जाम्पल नंबर 11 एक ही है, और क्वेश्चन नंबर 63, 74, 77 कुल 4 है, 3 और 1 4, और कुल मिला के हो गए 4 और 8 और 4 12। अब चैप्टर नंबर 3, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन, एग्जाम्पल छठा क्वेश्चन 7, 12, 14, 23 कुल 5 हो गए। 8 नंबर के क्वेश्चन के अंदर एग्जाम्पल नंबर 4, फिर क्वेश्चन नंबर 28 और 34 ये कुल 3 हो गए, और 3 और 5 8 हो गए। सेकंड कैटेगरी 4, 8, ये सेकंड कैटेगरी एग्जाम्पल नंबर 5, 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए, और क्वेश्चन नंबर 4, 8, 16, 21 ये जो थर्ड चैप्टर के ना एक्सरसाइज उसके क्वेश्चंस, 3 नंबर क्वेश्चन के लिए कुल 5 हो गए। अब 8 मार्क क्वेश्चन के लिए एग्जाम्पल नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 27 और 38 कुल 3 हो गए, कुल ये 3 और 5 8। सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी में एग्जाम्पल नंबर 2, 3 मार्क्स में क्वेश्चन नंबर 6, 13, 17 और 24, क्वेश्चन नंबर ये है 4 क्वेश्चन है ना, छठा, 13वां, 17वां, 24वां, ये 3 मार्क्स के लिए, ये 4 और 1 5 क्वेश्चन हो गए। फिर 8 मार्क्स के क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 37 कुल 2 हो गए, तो कुल ये 2 और 5 7 हो गए, ये थर्ड कैटेगरी। इस तरह से मैंने आपके लिए ये जो यूनिट 3 है जो कि शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यानी शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का जो यूनिट है, इसके कुल मिला के मैंने 23 क्वेश्चन छाटे हैं, 8 सबसे इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट 8 और नेक्स्ट 7। अब 4A, 4A का मतलब बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम्स, ये जो फर्स्ट कैटेगरी है जिसमें 3 मार्क्स के एग्जाम्पल हैं वो एक भी नहीं है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है बुक के वो दूसरा और 13वां। और अब ये कुल कितने हो गए, 2, ये 3 मार्क्स के एग्जाम्पल है, 3 मार्क्स क्वेश्चन है। अब 8 मार्क्स के एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के अंदर मैंने जो क्रम दे रखा बुक के अंदर वो A1 ऐसे दे रखा, जैसे A1, A2, A3, A4, A1 और A5, और एक्सरसाइज जो है उसकी उसमें 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन जो दिए मैंने 21वां और 22वां, ये इम्पोर्टेंट है, तो कुल मिला के हो गए ये 4, और ये 4 और ये 2 कितने हो गए, 6। ये फर्स्ट कैटेगरी की यानी चौथी ए एक्सरसाइज, यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम्स के मैंने 6 क्वेश्चन बहुत बेस्ट माने हैं फर्स्ट कैटेगरी में, ये क्या नाम आपके 3 और 8 नंबर के मिलाकर 2 और 4 6 इस प्रकार से। अब सेकंड कैटेगरी, एग्जांपल कोई नहीं है 3 नंबर का, क्वेश्चन 1 है 3 नंबर में, चौथा, इससे कुल 1 क्वेश्चन बना। अब मैं बात करता हूँ 8 नंबर के क्वेश्चन की, उसमें जो एग्जांपल है वो A2, और क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में चौथी ए में वो है छठा, 16वां, 17वां और 20वां, ये कुल 4 है, तो 4 तो ये हो गए, 1 ही हो गए, कुल 5, और ये 5 और ये 1 6। सेकंड कैटेगरी मैंने 6 क्वेश्चन लिए हैं। अब थर्ड कैटेगरी, कोई एग्जांपल नहीं है 3 नंबर के क्वेश्चंस के लिए, एग्जाम में आता है 3 नंबर का क्वेश्चन, उसमें कोई एग्जांपल किताब का नहीं है, किताब में चौथी ए एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5वां, 7वां और 12वां, क्वेश्चन नंबर 5, 7 और 12 ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा, ये मैंने गलती से इसको रेड पेन से कर दिया, दरअसल ये होना चाहिए था ब्लू पेन से, रेड पेन से केवल वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी होती है, ये इसको ब्लू पेन मानिएगा। चौथा, पांचवा, सातवां, बारहवां,
एक है ये तीन है। अब बात करते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन की, तो उसमें जो एग्जांपल दो हैं A1 और A5, एग्जांपल है A1 और A5 फर्स्ट कैटेगरी में, और ये जो आपके क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के अंदर 21वां और 22वां। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये दो और ये दो कुछ चार हो गए, और ये दो थे कुछ छह हो गए, तो छह क्वेश्चन आपके चौथी ए में फर्स्ट कैटेगरी में मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर अगली जो कैटेगरी है सेकंड, उसमें तो मैंने बता दिया पहले से, यानी 3 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 ये क्वेश्चन हो गया, और 8 नंबर क्वेश्चन में एग्जांपल A2 और क्वेश्चन नंबर 6, 16, 17, 20, 5 और 1, 6 और 6 और 1, ये तो 5 और ये 6 हो गए, और ये 5, 7, 12, 3 ये A3, A4, A8 एग्जाम्पल 8 नंबर के लिए, और ये क्वेश्चन नंबर 19 8 नंबर के लिए, कुल हो गए 4, 4 और 3, 7, ये कुल 6, 6, 12, 7, 19 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छाटे मैंने 4 A में से। अब 4B, 4B की अगर बात करूं तो एग्जाम्पल जो है 3 नंबर में कोई नहीं है, क्वेश्चन जो 3 नंबर में 6ठा, 7वां, 10वां, 7वें का दूसरा पार्ट, 4था पार्ट और 7वां पार्ट, 7वें का दूसरा, 4था और 7वां, इस तरह से कुल ये 3 और 3, 6 हो गए। और अगर 8 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो एग्जांपल है B6 और क्वेश्चन है 11, 19, 22, 3 और ये कुल 4, और ये 4 और 6 हो गए कुल 10, यानी 10 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चौथी बी यानी कि शीयर स्ट्रेस इन बीम्स की एक्सरसाइज में से। अब आप देखिएगा ये चौथी बी से टाइप सेकंड के क्वेश्चन, तो फर्स्ट जो कैटेगरी है 3 नंबर वाली, एक्चुअली टाइप सेकंड मतलब नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, 3 नंबर के एग्जांपल में कोई नहीं है, 3 नंबर क्वेश्चन में है 5वां, 7वें का 1ला, 7वें का 3रा, कुल कितने हो गए 3। और इसी कैटेगरी में 8 नंबर की जो क्वेश्चन है ना, उसमें जो एग्जाम्पल है वो B4, एग्जाम्पल नंबर B4 है और क्वेश्चन नंबर 13, 17 और 24 है, 3 और 1, 4 ही हो गए, और 4 और 3, 7 हो गए। इस तरह से आप देखेंगे कि जो सेकंड कैटेगरी में बनाई है 4B की, 4B एक्सरसाइज के अंदर सेकंड इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी है, फर्स्ट में तो 10 क्वेश्चन थे और सेकंड में 7 थे। अब थर्ड कैटेगरी 3 नंबर के एग्जाम्पल में कोई क्वेश्चन नहीं है, 3 नंबर की जो क्वेश्चन एक्सरसाइज है वो 2रा, 9वां, 7वें का 1ला, 7वें का 6ठा, ये 4 है। अब 8 नंबर के अंदर बात करें तो एग्जाम्पल B2 क्वेश्चन 16, 18, 20, कुल 3 और 1, 4 और ये 4 और 4, 8। नौ आखिरी चैप्टर 5 कॉलम स्तंभ, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी हमारी फर्स्ट कैटेगरी, उसमें एग्जाम्पल नंबर 1 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए, और क्वेश्चन नंबर 11, 13, 20 और 29 कुल 5 हो गए, 4 और 1, 5। 8 नंबर के क्वेश्चन देखें अगर आप तो 5वां और 6ठा एग्जाम्पल और क्वेश्चन नंबर 30वां और जो 15वां क्वेश्चन कौन सा है, 30वां और 15वां, तो कुल कितने हो गए इसमें 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो कुल कितने हो गए 9। अब देखिएगा सेकंड कैटेगरी, तो सेकंड कैटेगरी में आप देखेंगे कि एग्जांपल नंबर 2 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 17, 22, 23 कुल 3 और 1, 4 हो गए। फिर ये आपके 8 मार्क्स क्वेश्चन में एग्जांपल नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 33वां और 37वां कुल 2 और 1, 3 और ये 4, 7 हो गए, यानी सेकंड कैटेगरी मैंने 7 क्वेश्चन लिए हैं यूनिट 5 में से। नाउ लास्ट कैटेगरी, कोई एग्जांपल नहीं है 3 नंबर के लिए, क्वेश्चन काफी है इसमें 2रा, 7वां, 8वां, 19वां, 24वां, 40वां, ये 6 क्वेश्चन हैं, और ये 6 और आगे 8 नंबर के अगर क्वेश्चन लेते हैं तो एग्जांपल है 3रा और 4था और क्वेश्चन एक ही है 32वां, कुल ये 1, 2, 3 हो गए और ये 6 थे तो 9 हो गए।
तो थर्ड कैटेगरी में मैंने 9 क्वेश्चन छाटे हैं, कुल मिला के हो गए यूनिट 5 में से 9, 7, 16, 9, 25 क्वेश्चन हो गए। और अगर मैं इन सब की जोड़ करूं हर यूनिट की तो 23, 49, 23, 19, 25, 25 कुल मैंने 164 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, 164 क्वेश्चन। अब 164 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन कैटेगरी 1 के हैं, कितने कैटेगरी 2 के हैं, कितने कैटेगरी 3 के हैं, वो मैंने इस पेज पर आपको समझाया है। ये देखिए कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 के अंदर 3 मार्क्स के और 8 मार्क्स के, कैटेगरी 1 का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 8 मार्क्स के क्वेश्चन। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन में एग्जांपल और क्वेश्चन, 8 मार्क्स के क्वेश्चन में एग्जांपल क्वेश्चन, ये जो कैटेगरी पूरी मैंने निकाली है आप देखिएगा 66 क्वेश्चन मैंने छाटे हैं फर्स्ट कैटेगरी में, 66 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी बुक में से। और मैं सोचता हूं अगर ये कोई लड़के कोई स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन समझ के कर ले, 66 है, ज्यादा नहीं है, ओनली 66 क्वेश्चन, तो पूरा पेपर इसमें से या इसके जैसे क्वेश्चन से बन सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं ये नहीं कहता कि मैं सही हूँ, हो सकता है कि मेरा विश्वास पूरा मैं उस पर खरा ना उतरूं, लेकिन मैंने कोशिश की है संभवतया, या इसमें नहीं आएगा इसमें जाएंगे, इसमें जाएंगे, यानी ये सब करने के बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं, सब आ जाएंगे। तो ये देखिएगा जो पहली कैटेगरी है उसमें मैंने 66 क्वेश्चन छाटे हैं। आप देख रहे हैं ये 3 तो एग्जाम्पल है, 3 नंबर के क्वेश्चन में 28 क्वेश्चन है, 3 नंबर के एग्जाम है किताब पे, 11 एग्जाम्पल है किताब के 8 नंबर क्वेश्चन के लिए, और 24 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में से, इससे कुल मिला के 31 और 35 66 मैंने छाटे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुक में से। और इसी तरह से जो सेकंड कैटेगरी है उसमें 57, ये 3 और 27 30 3 नंबर के, 10 और 17 27 8 नंबर के, कुल 27 और 30 57। फिर जो थर्ड कैटेगरी है उसमें कुल मैंने क्वेश्चन छाटे हैं इसमें 51, 2 तो एग्जांपल और 28 क्वेश्चन 3 नंबर के लिए, 10 तो एग्जांपल 11 क्वेश्चन 8 नंबर के लिए, कुल ये 30 और ये 21, कुल 31, 30 और 21 51। और अगर इन सबको जोड़ दें तो सब मिलाकर हम देखेंगे मैंने छाटे आपके पास 3 नंबर के 91 क्वेश्चन, 8 एग्जांपल और 83 क्वेश्चंस, और 8 मार्क्स में कुल 73, 31 तो एग्जांपल और 42 क्वेश्चन, कुल मिला के हो गए 164। तो ये मैंने अपना प्रयास किया है। आपको मैं एक बात पक्का कह सकता हूँ, अगर आप ये क्वेश्चंस करते हैं बुक से किसी प्रकार से और कोई दिक्कत आती है आप मुझे इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें, 9521663066। कोई भी स्टूडेंट सुन रहा हो तो इस बात को ध्यान से सुन ले कि मैं किसी भी स्टूडेंट की डिफिकल्टी सॉल्व करने के लिए तत्पर रहूंगा यथासंभव, जहां तक हो सकेगा मैं उसका सोल्यूशन भेजूंगा बुक में से, सॉल्ड एग्जांपल हो चाहे अनसॉल्व हो, कोई भी हो, दिक्कत आएगी उसका वीडियो बना के अपलोड करके उसका लिंक भेज दूंगा। मैं चाहता हूं कि इस पेपर में आप लोग कोई भी फेल ना हो, पूरे राजस्थान का एक भी बच्चा फेल नहीं हो, इसका बहुत बड़ा कारण है। कारण यह है कि ये जो सब्जेक्ट है CE 3003 मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, इसका एक नाम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स भी है, तो ये वो सब्जेक्ट है जिनमें बहुत ज्यादा बैग आती है बच्चों के, बहुत ज्यादा बच्चों के बैग आती है इस सब्जेक्ट में, और ये बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है आपके सिविल के लिए। आगे के जो सब्जेक्ट होंगे स्ट्रक्चरल डिजाइन के, स्टील आरसीसी वगैरह टॉर्च वगैरह, उसमें ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये अच्छा नहीं हुआ आगे हर सब्जेक्ट में जो मैंने बताया आपको, स्टील स्ट्रक्चर, आरसीसी स्ट्रक्चर और थ्योरी स्ट्रक्चर, इसमें आपको दिक्कत आएगी। तो मैं चाहता हूँ कि एक भी बच्चा फेल नहीं हो। अगर मेरा अनुभव और मेरा कुछ प्रयास आपको हर एक को कम से कम पास करवा दे, कोई फेल ना हो, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा। मैं प्रयास करूंगा कि 3-4 मॉडल पेपर बनाऊं आप लोगों के लिए विद सॉल्यूशन, और आप उनको करके अच्छे नंबर लेके आए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में। इसी के साथ में अपना ये वीडियो खत्म करता हूं, इसी आशा के साथ में कि आप इस पुस्तक को लेकर इससे ये क्वेश्चन करेंगे चाहे कैसे भी करें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में, और मैं हर समय आपके साथ में हूँ। थैंक यू। ओके।